हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, जिस तरह से भारत में G20 हो रहा है और उसके पहले चंद्रयान 3 सक्सेसफुली लॉन्च हुआ था, तो बहुत बड़ी अचीवमेंट की बात है। तो उसी ऊपर आज का इंटरव्यू होने वाला है। पाकिस्तान के ये होस्ट है मुजम्मल कुरैसी, तो इनके चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आज पब्लिक के बीच में जाने वाले हैं, उसी के बारे में पब्लिक से पूछने वाले हैं कि पाकिस्तान क्या सोचते हैं उस बारे में, जिस तरह से भारत में G20 हो रहा है। तो चलो वीडियो दे लेते हैं, बाद में वीडियो के बारे में बात करेंगे। ये इस तरह से वेलकम कर रहे हैं सबका, क्या समझते हैं? जी जी, इंडिया 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 में वेलकम दिल्ली के अंदर हो रहा है। ये दिल्ली वेलकम कर रहा पूरे जितने भी 20 कंट्रीज के वजीर आजम है, लेकिन अफसोस की बात यहाँ पर ये है, क्या आपको लगता है कि वाकई में इंडिया हमारा दुश्मन है? नहीं, मैं नहीं मानता। हमको लगता है इंडिया हमारा दुश्मन है? हाँ जी, हमारा दुश्मन है। जी, हम अपने दुश्मन, वो तो पीछे रह गए ना, वो था सर अंग्रेज दवाई बनाकर, वो जहन्नुमी है जो अच्छी दवाई बनाते हैं। हम डुप्लीकेट दवाई बनाकर आवाम को मारकर फिर भी हम कहते हैं जन्नत के ठेकेदार हैं हम। पहली तो बात यह है कि ये जो मेडिसिन का शोबा है ना, मुसलमानों का है। आप याद, आप कहते ना को हम घर में घुस के मारेंगे, याद है ना? वो डायलॉग बड़ा मशहूर था, पर किसने बोला था वो? ने हमें घर के घुस के मारा, घर में घुस के। आगे पूरी दुनिया के लिए चांद बन गया है। चांद पे जाने के बाद, उसका लैंडिंग के बाद आप देखिए उसकी वो हर चीज़ का एक जो ग्रो है वो ज़्यादा हो गई है। छोटे छोटे बच्चे घरों में से, ये देखो ये बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे घरों में से आगे मांगने में मजबूर हो गए हैं। ये पाकिस्तानी बच्चा है, कोई अफ्रीका से नहीं है यार, ये पाकिस्तानी बच्चा नहीं मिलेंगी। अब जो बाइडन से लेके, अमेरिका से लेके, जितने भी बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं, सबके प्राइम मिनिस्टर वहाँ पर जाएंगे। इंडिया अपनी कोई भी बात मनवा सकता है वहाँ पर, दुनिया के प्लेटफॉर्म के अंदर रखेगा, भाई हमारे पास ये है, हम ये कर सकते हैं आने वाले टाइम के अंदर, इतनी इतनी इन्वेस्टमेंट, पहले भी बहुत जा रही है, अभी भी जाएगी। तो बात करने का पर्पज़ है कि जिसका हम हिस्सा ही नहीं है। आपको मैं वीडियो दिखाऊंगा, ये भी दिखेगा कि वहाँ पर लोग वेलकम किस तरह से कर रहे हैं G20 मीटिंग के अंदर जो लीडर्स हैं उनका। ये चेक करें, दिल्ली के अंदर ये होने जा रहा है और ये दिल्ली दुली है। हाँ जी, कभी नहाए नहीं थे वो, खुद भी नहाए हैं, इंडियन नहाए नहीं थे वो, कहते हम नहाएंगे इस खुशी में। अच्छा, ये चेक करें किस तरह से डेकोरेशन की गई है, रूम किस तरह बनाए गए और वेलकम किस तरह से किया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे, हमारा बायकॉट क्यों? हमारे पास अभी तक एक भी बाहर से, जो बाइडन पहले आते थे, लेकिन जब से वो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बने एक दफ़ा भी पाकिस्तान नहीं विजिट किया। अभी मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान आए थे 6 घंटे के लिए, लेकिन 3 दिन के लिए वो इंडिया चले गए, नहीं आए। भाई देखिए, पूरी दुनिया ने पाकिस्तान का ठेका तो नहीं उठा रखा, अपने मुफाद की जंग है। जिस कंट्री को अपना मुफाद नज़र आता है वो अपना सौदा करता है। इंडिया इस टाइम जो एशिया किसे भी आगे, पूरी दुनिया के लिए चांद बन गया है। चांद पे जाने के बाद, उसका लैंडिंग के बाद आप देखिए उसकी वो हर चीज़ का एक जो ग्रो है वो ज़्यादा हो गई है, हमसे ज़्यादा उसकी अहमियत तो पहले ही थी। करेंसी भी आगे, उसका एक्सपोजर भी आगे, आईटी में भी आगे, पूरी दुनिया में मतलब वो। लेकिन इसके बाद ये जो अब सऊदी अरब हुआ और ये अमेरिका हुआ, इसराइल हुआ, रशिया हुआ, ये उसकी तरफ जाएंगे। लेकिन सोच का मकाम ये है कि हमारे सियासतदान, हमारी आर्मी, हमारा जो स्ट्रक्चर ऑफ सियासत है वो क्या करेंगे? वो उनको चाहिए, अब ये सोच लम्बे फिक्र उनके लिए है कि वो इस मुल्क के लिए क्या करेंगे। ये मुल्क तो बिल्कुल ही पीछे दर पीछे हो गया है, उस सौतेले बेटे से भी नीचे की बात हो गई है इसकी। तो इसको तो खुद समझना चाहिए ना कि ये अपने जो अपनी मुल्की माशी हालात हैं उनमें क्या स्टेबिलिटी लाते हैं, दूसरे मामलों में क्या लाते हैं, ये तो इनको चाहिए ना। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो हम अपनी गलती मानते नहीं हैं, हम पानी दूध में पानी मिलाकर कहते हैं कि ये किसी यहूदी ने डाल दिया। जी जी जी। और यहाँ पर तो पता लग गया कि ये फजूल है, अमेरिका कर गया, इसराइल करवा गया, ये हम सब चोर हैं यार। आवाम को होश आ रही है, आवाम को शोर आती जा रही है आहिस्ता आहिस्ता। क्या आपको लगता है कि वाकई में इंडिया हमारा दुश्मन है? नहीं, मैं नहीं मानता। हमको लगता है इंडिया हमारा दुश्मन है? हाँ जी, हमारा दुश्मन है। हाँ जी, ये कह रहे जी हम अपने दुश्मन, वो तो पीछे रह गए ना, वो था। इनसे बात कर लेते, थोड़ा आगे आ जाइए, थोड़ा आगे आ जाइए। किस तरह से हमारा दुश्मन है, थोड़ा सा डिफाइन करें। अंकल को समझ नहीं, मुझे समझ नहीं आता। हमारा दुश्मन है इंडिया तो। हाँ जी, मतलब कि आज गुरबत जो हालात है मुल्क के अंदर, जो सब कुछ चल रहा है, वो उसके उनके जिम्मेदार नहीं है, उसके जिम्मेदार हम खुद हैं। दुश्मन किस तरह से हुआ? दुश्मन तो वैसे ही वो कफार है, हम मुसलमान है इसलिए वो कफार और मुसलमान की बात। वो कफार और मुसलमान की मैं आपको बताता हूँ, वो है, वो मौजूद रहेगा जब तक दुनिया रहेगी। मसला तो हमारी हमारे मुल्क का है ना, वो तो कफार मुंह तो रहेगा, वो तो रहना है। आप जब तगड़े होंगे, आप मईशती तौर पर पावरफुल होंगे, तो आपको लगता है कि कफार और मुसलमान की जंग होगी? भाई हमने किया क्या है? मुसलमान होने के नाते क्या किया है? पाकिस्तानी होने के नाते क्या किया? क्या किया हमने? कोई हमारी इनोवेशन दिखा दो, कोई हमारी कोई नई बात दिखा दो। हम चीनी, आटा, दाल, घी, बस
इमरान खान आया, उम्मीदें दिखाई, वो भी देखो 24 करोड़ जो इधर अकाउंटों से निकल रहे हैं, नवाशी भी, जरदारी भी, इमरान भी। मैं तो कहता हूँ कसम से फौज को रहना चाहिए, रहना चाहिए, अच्छा। क्योंकि वो डंडा डंडे वाली कौम हो गए। ठा चल अंकल, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। नाम आपका? मोहम्मद अकरम। क्या करते हैं? मैं ऑडिट अफसर हूँ, रिटायर। जबरदस्त हो गया सर। क्या दिन है आज? यहाँ पर बड़ा रश लगा हुआ, वो पीछे भी मेरा कैमरामैन अगर जूम करके आपको दिखा सके तो यहाँ पर रश लगा हुआ किस चीज़ का? ये एक तो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का 40वां है आज, दूसरा दाता साहब का उर्स है। बिल्कुल सही, दो चीज़ें सर। हमारे पास ये हालात, यहाँ पर रोटी के लिए मसाइल पड़े हुए हैं। दूसरी तरफ जिस टॉपिक में मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आज, ये है कि इंडिया G20 को होस्ट करने जा रहा है। G20 इंडिया के अंदर होने जा रही है 10 तारीख को। सारे मुल्क, जितने भी बड़े बड़े मुल्क हैं, उनके प्राइम मिनिस्टर्स इंडिया विजिट करेंगे। क्या कहना चाहेंगे? एक तो हमारे ये हालात है, वहाँ पर अगर पूरी दुनिया के जितने भी बड़े, दुनिया के बड़े मुल्कों के 20 प्राइम मिनिस्टर जाते हैं इंडिया के अंदर, तो वो अपनी बातें मनवा सकते हैं। पहले भी वो तरक्की कर रहे हैं, तो मज़ीद उनकी तरक्की हो सकती है या नहीं? इससे कोई बात नहीं, अल्लाह हमारे पास है, अल्लाह तो उनके पास नहीं है। अच्छा, हाँ, अल्लाह हमारे पास कैसे है सर? कुछ कोई बताएं ज़रा कैसे है? एक मुसलमान होने की हैसियत से हमारा ईमान है इस बात पर कि हम अल्लाह हमारे साथ है, हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं, और इंशाल्लाह ताला अच्छे बुरे हालात आते रहते हैं, ठीक हो जाएंगे। अल्लाह उनके साथ है जो सच बोलता है, अल्लाह उनके साथ जो वादा पूरा करता है, वो सबके साथ। छोटी छोटी मोटी जो है ना कौमों में, ये अपडेट आते जाते रहते हैं, तो अगर कोई हमें अच्छी लीडरशिप मिल गई तो इंशाल्लाह ताला हमारा मुल्क भी तरक्की करेगा। सर, अंग्रेज़ दवाई बनाकर, वो जहन्नुमी है जो अच्छी दवाई बनाते हैं, हम डुप्लीकेट दवाई बनाकर अवाम को मारकर फिर भी हम कहते हैं जन्नत के ठेकेदार हैं हम। पहली तो बात यह है कि ये जो मेडिसिन का शोबा है ना, मुसलमानों का है, आज़ाद किया हुआ, ये इन्होंने बाद में किया है, हमारी किताबें इन्होंने पढ़ के और उससे तरक्की की है। मैं आपकी बात से इतफाक नहीं करता, अंग्रेजों वाली आप इतफाक नहीं करते, लेकिन आप मेरी बात को माने ना। पहले मेरी बात सुन ले, मेरे पास इतना टाइम नहीं, मैंने मगरब की नमाज पढ़नी है। अल्लाह हाफिज़। गाइस, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैंने जो सच बात की तो उनको अच्छी नहीं लगी। आप भी कोई बात कर रहे थे, थोड़ा नज़दीक आ जाए, आपसे भी बात कर लेते हैं। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। नाम आपका? इसहाक। तो सवाल मेरा यहाँ पर यह है कि G20 की मीटिंग होने जा रही है हिंदुस्तान के अंदर, वहाँ पर बड़ी बड़ी कंट्रीज के 20 मुल्कों के जो वज़ीर आज़म हैं वो इंडिया विजिट करेंगे। अच्छा। क्या कहना चाहेंगे, इससे इंडिया ज़्यादा तरक्की याफ्ता हो जाएगा या नहीं? क्या मतलब? इंडिया ज़्यादा तरक्की याफ्ता हो जाएगा या नहीं 20 मुल्कों के वज़ीर आज़म वहाँ पर जाएंगे तो? 20 मुल्कों के वज़ीर आज़म जाएगा, जाएगा तो क्या इंडिया हमसे ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा? नहीं, नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, कभी भी नहीं होते। वो तो है तो सही, नहीं है, नहीं है, ताकतवर नहीं है। अच्छा। ये इस्लामी मुल्क है। चलिए गाइस, आप लोग देख सकते हैं ये तो इंडिया बिल्कुल ताकतवर नहीं है हमसे। आगे चलते हैं, किसी और से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? सामने देखना आपने। ठीक ठाक। नाम आपका? अली। क्या करते हैं? मैं एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में हूँ। अच्छा, ज़बरदस्त हो गया। बात करने का पर्पस ये कि जो कि आज का मेरा टॉपिक है, मेन टॉपिक, उसके ऊपर ही ड्रग चले जाते हैं। G20 के समिट होने जा रही है इंडिया के अंदर, उसकी प्रिपरेशन के बारे में छोटी सी एक वीडियो दिखाऊंगा, फ़ायदे और नुकसान की बात बाद में करेंगे, पहले आप वो वीडियो देखेंगे, उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट इसके बारे में बताऊँगा कि क्या कुछ हो सकता है, आपने मेरी ऑडियंस को भी बताना। ये इस तरह से वेलकम कर रहे हैं सबका, क्या समझते हैं? जी जी, इंडिया में वेलकम दिल्ली के अंदर हो रहा है, दिल्ली वेलकम कर रहा है पूरे जितने भी 20 कंट्रीज़ के वज़ीर आज़म हैं, लेकिन अफसोस की बात यहाँ पर यह है कि पाकिस्तान दिल्ली नहीं जा सकता, पाकिस्तान इसका पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकता क्योंकि पाकिस्तान हिस्सा ही नहीं है। क्या कहना चाहेंगे, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी इंडिया के लिए? इंडिया की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि सारी जो दुनिया की जो प्राइम मिनिस्टर है वो आ रहे हैं, इसमें हिस्सा ले रही है, और मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान भी हिस्सा ले इसमें, क्योंकि जो कुछ हमारी जो कुछ बीच में कुछ चीज़ें हैं इस पर हम दोनों लड़ रहे हैं, लेकिन एक इकोनॉमिकली हवाले से बात किया जाए तो हमें इन चीज़ों पे साथ मिलना चाहिए और पार्टिसिपेशन करनी चाहिए इन किस्म की चीज़ों में, ताकि ये दोनों मुल्कों के लिए फ़ायदा भी है, और ये जो हमारे बीच जो कुछ बातें हैं जिस पर हम लड़ रहे हैं उनको साइड पर रखे और हमारी दोनों मुल्कों की इकोनॉमी हालत को ठीक किया जा सकते हैं ऐसे चीज़ों पर। उनकी इकोनॉमी तो ठीक है, उनकी इकोनॉमी आप देख रहे हैं कि डेवलपमेंट की तरफ। ये थी पाकिस्तानी आवाम,
तो ये बहुत अच्छा मंदिर था वाइट शर्ट वाला, बहुत अच्छी बात की उन्होंने कि पाकिस्तानी आवाम जो है वो इंडिया से नफरत नहीं करती बल्कि उनसे इंस्पायर होती है। जिस तरह से उन्होंने चंद्रयान की तारीफ करी कि वो साउथ पोल में पहुंचा है, जो उसकी रिसर्च रहेगी वो बहुत डिफरेंट रहेगी, तो ये बहुत अच्छी बात कही। और जब अमेरिका चांद पर गया था वो अपनी पावर दिखाने के लिए, कोई रिसर्च करने के लिए नहीं गया था, पर इंडिया जो गया है चंद्रयान में वो रिसर्च करने के लिए, किसी को पावर नहीं दिखाने के लिए गया कि किसी दूसरी कंट्री को पावर दिखानी है, हम रिसर्च करने के लिए गए हैं। तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और जिस तरह G20 हो रहा है, सभी इंडियंस को जो है मुबारक हो कि इतना बड़ा अचीवमेंट हम कर रहे हैं कि G20 करा रहे हैं, चंद्रयान 3 सक्सेसफुली लॉन्च किया, आदित्य L1 लॉन्च किया, तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। पाकिस्तानी थे, इनकी थॉट्स थी टुवर्ड इंडिया, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि इस टाइप की वीडियो में आपके लिए और आऊँ तो मुझे सपोर्ट कर सकते, साथ साथ इनको जरूर सपोर्ट करें। मुजम्मिल कुरैशी इनका नाम है, डेली स्वैग इनके चैनल का नाम है, 15 मिनट 24 सेकंड की वीडियो अगर पूरी देखना चाहते हो तो इनके चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो मिले किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, बहुत सारा देने की, बाय बाय।